बरगद एक लगाइए पीपल रोपे पांच, घर घर नीम लगाइए यही पुरातन सांच, यही पुरातन सांच आज सब मान रहे हैं। भाग जाए प्रदूषण सभी अब जान रहे हैं। विश्व ताप मिट जाए होए हर जन मन गदगद, धरती पर त्रिदेव हैं नीम पीपल और बरगद। भाइयों बहनों और मेरे सभी मित्रों, लगभग 6 दशकों से देखने को मिल रहा है कि पीपल और बरगद और नीम जो समाज के लिए वातावरण के लिए बहुत उपयोगी है, उस पेड़ का लगाना सड़कों के दोनों तरफ बंद सा हो गया है। ये है पीपल फाइकस रिलीजियोसा और आगे वाला पौधा जो है वो है बरगद फाइकस बेंगालिनसिस और तीसरा है नीम, जिसको संस्कृत में निम्ब बोलते हैं और जिसका बॉटेनिकल नाम है एजा डिरेचेस्टा इंडिका, जिसको कि मारगोसा ट्री भी बोलते हैं। ये तीनों पौधे वातावरण के लिए और समाज के लिए बहुत ही उपयोगी सदियों से रहे हैं। मैं भारत सरकार और भारत के सभी प्रादेशिक सरकारों से प्रार्थना करता हूं कि वे इन तीनों पौधों को बरगद पीपल और नीम तीनों वृक्षों को फिर एक बार सड़क के दोनों तरफ लगवाएं, क्योंकि मित्रों पीपल कार्बन डाइऑक्साइड का 100% एब्जॉर्बर है, सोखने वाला है, निगलने वाला है और बरगद का जो वृक्ष है वो 80% कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्बर करता है, सोख लेता है और नीम 75%। तो तीनों पेड़ जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले हैं, एब्जॉर्बर करने वाले हैं। मैं विश्व के सभी माननीय लोगों से प्रार्थना करता हूं और भारत के सभी मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि बरगद का पेड़ सड़क के 1 किलोमीटर की डिस्टेंस से लगाएं और पीपल के पेड़ जो हैं 500 मीटर की दूरी पर सड़कों के दोनों तरफ लगाएं और नीम 10-10 मीटर पर सड़कों के दोनों तरफ भर दें या अपने आंगन में लगाएं। तो भाइयों मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि नीम जो बहुत ही लाभदायक है समाज के लिए और वातावरण के लिए, उसको लगाएं। ये देखो ये पौधा केवल 4 साल का है और इतना घना हो गया है। आप कम से कम अपनी जीवन में नीम 4-5 लगाएं और ये है बड़
जो अभी 8 साल का है, ये भी कोने पे लगाया था, ये है बड़, इसको लगाएं। और ये है पीपल जिसे आज से 6 महीना पहले लगाया था, इतना बड़ा हो गया है। और ये है बरगद वट वृक्ष है, पिछली साल एक लकड़ी लगाई थी 5 फीट की लकड़ी लगा दी थी बरसात से पहले, और ये पेड़ बढ़ के इतना बड़ा हो गया है। मित्रों, मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार, नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।